एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रुति खोसला और आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लेकर आई हूँ। और हम लोग जो है वो बहुत टाइम सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सिखाना है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करानी है, और उसके लिए हम बहुत सारी बुक्स लेकर आते हैं ताकि हमारे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकें, कुछ एक्स्ट्रा सीख सकें, वोकैबुलरी अच्छी हो जाए उनको, नंबर्स नेम अच्छे से आने चाहिए। बट फिर क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद वो जो बुक्स होती हैं वो साइड में पड़ी रहती हैं, बिकॉज बच्चों के पास स्कूल की ही बुक्स का इतना बर्डन रहता है, क्योंकि वही बुक्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो वो एक्स्ट्रा बुक्स क्या करेंगे। तो बहुत सारे जो है ये ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं, और ऐसा हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। इवन आपके साथ नहीं, मैं खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है मार्केट में तरह तरह की एक्टिविटी बुक्स, और जो कि मैं बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है कई बारी कि उनको वो प्रैक्टिस करा पाऊँ, क्योंकि उनके उनके स्कूल का ही कारिकुलम है जो पूरा नहीं हो पाता, और बहुत ज़्यादा चाहते हुए भी हम उनको वो बुक्स नहीं करा पाते हैं। इसी से रिलेटेड है कि आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये है, यस, दिस इज़ अ न्यूज़पेपर जो हम सबके घरों में आता है, और कई बार क्या होता है वो ऐसे ही आता है और ऐसे ही पड़ा रहता है और ऐसे ही जंक सेलर के पास चला जाता है। तो इवन मेरे को भी न्यूज़पेपर पढ़ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट अगर मैं एक दिन आई वॉज फ्री और उस दिन लाइट नहीं थी, तो न्यूज़पेपर लेके बाहर बैठी हुई थी, तो आई वॉज जस्ट लुकिंग टू द न्यूज़पेपर कि ये न्यूज़पेपर कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो न्यूज़पेपर है वो किंडरगार्डन से लेके, यानी कि 3+, 4+ से लेकर टिल आपके ग्रेजुएशन लेवल और आगे भी आपकी लाइफ टाइम स्टडी जो करते हैं उसके लिए कितना हेल्पफुल है ये सिंगल न्यूज़पेपर। लेट्स सी। अगर मैं बात करूं किंडरगार्डन की, तो किंडरगार्डन में इस न्यूज़पेपर से रिलेटेड इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आप बच्चे को जो है बोर्ड जो उसमें न्यूज़ होती है, बोर्ड लेटर्स होते हैं, और इवन कैपिटल लेटर्स एंड द स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, आप उनको सर्कल करने को बोल सकते हो, एक डिक्टेशन टाइप ले सकते हो कि सर्कल द टी, सर्कल कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। इवन इंग्लिश के न्यूज़पेपर के साथ साथ हिंदी का न्यूज़पेपर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेम आप उनको स्वर और व्यंजन जो है सर्कल करने को बोल सकते हो। अगर बच्चा आ की मात्रा सीख रहा है तो आप सिर्फ उसमें आ की मात्रा को सर्कल करने के लिए बोल सकते हो, छोटी ई की मात्रा को सर्कल बोल करने के लिए बोल सकते हो। इसी तरीके से आप नंबर्स का कंसेप्ट भी बच्चे को करा सकते हो। इवन इसके साथ बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब बड़े बड़े लेटर्स मिलते हैं, अगर वो बैठा है आपके साथ बैठा है, आप अपना वर्क कुछ वर्क कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे से ये टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, और बच्चा इसी तरीके से खेल खेल में बहुत सारे रिकॉग्निशन जो है वो सीख जाता है। इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी जो है पिक्चर्स आती हैं, आप उनको पिक्चर्स दिखा सकते हो और आप उनके बारे में जो है बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं जूनियर लेवल की, अब तो जूनियर लेवल जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स करवा सकते हो, इंग्लिश में आप बच्चों को साइट वर्ड्स करा सकते हो। जैसे ही फर्स्ट ऑनवर्ड्स बच्चे की जो क्लासेस होती हैं उसमें जो उनको सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत सारे साइट वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट, इज, एम, आर। इवन आप हेल्पिंग वर्ब्स भी उनको करा सकते हो, और आप इसमें जो कंसेप्ट्स हैं बच्चे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं दे कैन रीड। इवन इसके साथ साथ आप बच्चों को वो कुछ पिक्चर देकर, कोई भी पिक्चर को कटिंग करके पिक्चर डिस्क्रिप्शंस करा सकते हो कि आप इसके बारे में क्या देख रहे हो। इसके बाद छोटे छोटे आर्टिकल्स आ जाते हैं, बच्चे वो छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और इसी तरह हिंदी में भी। और आप अगर देखेंगे, अगर न्यूज़पेपर को ध्यान से देखेंगे और पूरा वीक अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, तो एक ऐसा डे होता है जिसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी के साथ एक स्पेशल जो सप्लीमेंट्री कॉपी आती है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं। इवन बच्चों का सेक्शन भी होता है जिसमें बच्चों के लिए स्टोरीज होती हैं। इसके अंदर सुडोको जैसी वाली गेम्स होती हैं, क्रॉसवर्ड जैसी गेम होती हैं जो बच्चे इजीली कर सकते हैं और अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं।
अगर आपको बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है तो आप देखेंगे कार्टून सेक्शन आता है जिसके अंदर बच्चे आपस में जो है वो कन्वर्सेशन पढ़ के बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत इजी कन्वर्सेशन होती है और बच्चे उससे बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इवन कई तो न्यूज़पेपर्स ऐसे भी हैं, इवन हिंदी के न्यूज़पेपर्स भी, जिसमें कि बच्चों के लिए भी एक कॉर्नर होता है जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी बच्चों के साथ करा के आप बच्चों की नॉलेज इन्हेंस कर सकते हो। और तो और आप देखेंगे कि एक सेक्शन आता है, मोस्ट ऑफ देम आजकल जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि इतना डिस्काउंट है, इतना फ्री है, तो वहां पर उनका जो है अमाउंट लिखा हुआ आता है, तो जिसमें वो अमाउंट को आप नंबर नेम में कन्वर्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं। वहां पर आता है कि इतने अमाउंट पे 50% का ऑफ है, तो बच्चे यहाँ से परसेंटेज भी सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो मैथमेटिकल का कंसेप्ट है वो भी आप यहाँ से बच्चों के साथ खेल खेल में जो है बच्चे कर लेते हैं, और बच्चों को ये मोनोटनस भी नहीं लगता, बोरिंग भी नहीं लगता, और वो इजीली उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मजे से ये एक्टिविटी कर रहे हैं। साथ साथ ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप बच्चों को न्यूज़पेपर के साथ जोड़ेंगे, और ऑनेस्टली अगर बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट हो जाती है तो दे आर यू नो लाइक इंक्रीजिंग देयर वोकैबलरी, दे आर इंक्रीजिंग योर लैंग्वेज, दे आर इंक्रीजिंग देयर रीडिंग हैबिट एज वेल। अगर अब मैं बात करूं जो है सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल की, वहां पर आ जाता है, आप देखेंगे अभी भी बच्चे जो है रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, डायरी एंट्री लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, नोटिस राइटिंग आ जाता है बच्चों को, जो कि इसके लिए बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है, उनकी वोकैबलरी अच्छी होती है। आई एम नॉट आस्किंग कि पूरा पूरा न्यूज़पेपर आप पढ़ो, आप एक छोटा सा आर्टिकल, चाहे सबसे छोटे से शुरू करो, एक छोटा सा आर्टिकल डेली पढ़ने की हैबिट लगा लो कि मुझे ये आर्टिकल एक इतना सा पेज है, इतना सा वो है। और जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स उनको एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल दे सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे बहुत लंबा ना पढ़ के छोटे उसने आर्टिकल को पढ़ा है, उसी के अंदर से आप वोकैबलरीज निकाल लो। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, अगर आप इतना सा दे दिया आपने कुछ, चलो आप इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकालो, अच्छा एडजेक्टिव्स निकालो, तो बहुत सारी चीजें जो बच्चे सीखते हैं। और जैसा कि अभी भी बोर्ड एग्जाम्स में भी बच्चों को आता है एनालिटिक पैराग्राफ लिखना है, और पाई चार्ट में आता है और बार ग्राफ में आता है, तो आप देखेंगे ये कितना हेल्पफुल है। आप यहाँ से कुछ भी एक्टिविटी लेकर बच्चों को दे सकते हैं, दे कैन एक्सप्लेन इट। नोटिस राइटिंग देखेंगे, नोटिस भी लिखा हुआ आता है न्यूज़पेपर के अंदर। और तो और बच्चों को एक जो है स्पिरिचुअल लर्निंग, जो उनकी एक रहता है कि बहुत सारी जो उनकी लाइफ स्टाइल, लाइफ टीचिंग जो होती है, लाइफ स्किल्स जो पढ़ानी होती है, तो वहाँ पर एक कॉर्नर भी आता है। जैसे कि इस न्यूज़पेपर में मेरे पास जो न्यूज़पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर स्पीकिंग ट्री आता है, अगर आप उसको देखेंगे उसका ये जो टॉपिक है, इस तरीके से बच्चे के लिए बहुत चीज़ें भी आती हैं जो बच्चे की नॉलेज को इन्हेंस करती है, इवन उनकी लाइफ स्किल्स को भी इन्हेंस करती है। तो देखा आपने कितना न्यूज़पेपर जो है हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और हम इसको ऐसे रोल करके जंक चैनल को दे देते हैं। तो आप आज से ही एक एक्टिविटी को शुरू कीजिए और आप देखेंगे विद इन अ टाइम पीरियड आप बहुत ज़्यादा जो है चेंज देखेंगे अपने बच्चे के अंदर, उनकी वोकैबलरी में, उनकी रीडिंग में और उनकी लैंग्वेज स्किल्स के अंदर। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो फ्रूटफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि किस तरीके से जो है न्यूज़पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा। प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।